खाने पीने की चीज़ें, डिज़ाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, इन सब के बारे में आप अक्सर ही सुनते होंगे कि करोड़ों रुपए की कीमत चुकाने के बाद ये चीज़ें किसी के हिस्से में आई है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि जहर के लिए किसी ने अपनी पूरी दौलत लुटा दी है? शायद नहीं, लेकिन दुनिया में एक खास जहर है जिसे आप अपनी सारी दौलत देने के बाद भी नहीं खरीद पाएंगे। जी हाँ, बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है। बिच्छू का डंक जितनी तेज़ी से लगता है, उतनी ही तेज़ी से इसके जहर की कीमत भी डंक मारती है। रेगिस्तान में रहने वाला बिच्छू, जिसे डेथ स्टॉकर के नाम से भी जानते हैं, बहुत खतरनाक बिच्छू है जिसके जहर की एक ही बूंद कुछ सेकंड में लोगों की जान ले सकती है। इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। इस बिच्छू के जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनती हैं, साथ ही कई तरह की रिसर्च भी की जाती है। इस बिच्छू के 1 गैलन या 3.7 लीटर जहर की कीमत 2.81 अरब रुपए तक है, लेकिन इतनी कीमत के बाद भी आपको बहुत थोड़ी मात्रा ही मिलेगी। बिच्छू के एक बूंद जहर की कीमत $137 है, और इस बिच्छू का जहर ऐसे निकाला जाता है जिससे कि उसे कोई नुकसान ना हो। उसके डंक में बिजली के छोटे झटके दिए जाते हैं, इससे बड़ी मात्रा में जहर बाहर निकलने लगता है। जहर निकालने के दौरान इंसानों की मौत का भी खतरा रहता है, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बिच्छू के जहर में करीब 5 लाख ऐसे केमिकल कंपाउंड मौजूद हैं जिन पर अभी तक शोध नहीं हो पाया है, इसलिए इसे कॉकटेल ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। बिच्छू के डंक से जहर निकालने की प्रक्रिया को मिल्किंग कहते हैं। एक बिच्छू से आमतौर पर 0.5 mg से भी कम जहर मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत $3.90 करोड़ प्रति गैलन या 3.7 लीटर तक की होती है। भारतीय रुपयों के अनुसार 2.81 अरब रुपए इसकी जहर में मौजूद खास तरह के प्रोटीन को मल्टीपल सेलेरोसिस अर्थराइटिक्स के कारण इंसानों के शरीर में होने वाले असहनीय दर्द के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि केलेरोटॉक्सिन कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर सकारात्मक असर डालता है। ये कई तरह के कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। नीले रंग के बिच्छू के जहर से बनाई जाने वाली दवा विडाटॉक्स और क्यूबा मिरेकल ड्रग भी कहा जाता है। इसे 10,000 से भी अधिक मरीजों पर टेस्ट किया जा चुका है। कैंसर के इलाज में इसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसका जहर मलेरिया के इलाज में भी कारगर होता है। ज़्यादातर बिच्छू इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। वैसे बिच्छू का डंक बेहद पीड़ादायक होता है और इसके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक बिच्छू के जहर में पाए जाने वाले रासायन केलेरोटॉक्सिन को अगर ट्यूमर वाली जगह पर लगाया जाए तो इसे स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। बिच्छू के शरीर के नीचे के हिस्से में डंक जुड़ा रहता है जो जहर की नली से जुड़ा हुआ है, और ये नीला बिच्छू सामान्य तौर पर उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ का तापमान अधिक रहता है। ये जमा देने वाली ठंड और रेगिस्तान की गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। बिच्छू सामान्य तौर पर गर्म क्षेत्रों में पत्थर छिपने की वस्तुओं के नीचे छिपे पाए जाते हैं। ये अधिकतर रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। दुनिया भर में बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो इंसानों की जान ले सकती है। यह न्यूजीलैंड और अर्टार्टिक के क्षेत्र को छोड़कर विश्व के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।